यूरोप के एक छोटे से गांव में स्टेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ डायना और बहन जेनिफर के साथ रहती थी। स्टेला के पिता की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ उसे नौकरानी की तरह रखती थी। उसे खाने के लिए अक्सर बासी खाना दिया जाता था और पहनने के लिए अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े दिए जाते थे। एक दिन उस राज्य में घोषणा की गई कि राजकुमार के लिए लड़की देखी जा रही है और राजा ने राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रण दिया है कि वे आएं और उत्सव में भाग लें। स्टेला की माँ डायना और उसकी सौतेली बहन जेनिफर ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। बेटी जेनिफर, अब तुम्हें अपना वजन थोड़ा कम करना होगा। अगर तुम राजकुमार से शादी करना चाहती हो तो अब तुम्हें थोड़ा अपनी सुंदरता पे भी ध्यान देना होगा। ये स्टेला कहाँ मर गई? जल्दी आ। आई माँ, आई। अब से जेनिफर को तुम ही खाना परोसोगी। पहले मुझे दिखाना, फिर इसे परोसना, समझी? इसका पूरा ख्याल रखना, समझ गई कि नहीं? जी माँ, मैं समझ गई। राजकुमार के उत्सव के लिए अब जेनिफर को तैयार करना होगा ना? स्टेला, अब हम दोनों की जूतियाँ ले आओ, हम बाहर कुछ सामान लेने जाएंगे। स्टेला दौड़ कर जाती है और दोनों की जूतियाँ ले आती है। उसके बाद वे दोनों सामान लेने के लिए निकल जाती हैं। स्टेला भी राजकुमार के उत्सव में जाना चाहती थी। माँ, क्या मैं सिर्फ देखने के लिए उत्सव में चल सकती हूँ? मैं सबसे पीछे खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तुझे वहाँ नहीं लेकर जाएंगे और वहाँ जाने की तू सोचना भी मत। समझ में आई बात? बड़ी आई उत्सव देखने वाली। दोनों माँ बेटी राजकुमार रॉबर्ट के उत्सव में भाग लेने के लिए कपड़े और सामान खरीदने के लिए निकल जाती हैं। इधर स्टेला मन ही मन बहुत दुखी होती है और खिड़की के पास बैठकर रोने लग जाती है। उसकी आंसुओं की बूंदें खिड़की के पास रखे गमले के लिली के फूलों पर गिरती है। उसके बाद अचानक एक सुंदर परी प्रकट हो जाती है। क्या बात है बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? आप कौन हैं? पहले ये बताइए। मेरा नाम लिली है, मैं फूलों की परी हूँ। बताओ बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो? स्टेला लिली को सारी बात बताती है। अब राजकुमार के उत्सव में सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। मेरी बहन जेनिफर उसमें हिस्सा लेने वाली है, लेकिन मुझे माँ उसमें हिस्सा लेने नहीं दे रही है। स्टेला बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उत्सव के लिए तैयार करूंगी। पर परी रानी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर लोगों ने मुझे उत्सव में देखा तो मेरा पहनावा और साज सजा देखकर वो मुझ पर हंसेंगे। स्टेला, तुम्हें ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है और तुम्हें सजाने का काम मैं करूंगी। स्टेला के जीवन में परी एक उम्मीद की किरण बन के आई थी और अब राजकुमार के उत्सव का दिन आता है। स्टेला, हम दोनों उत्सव में जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना और जितना खाना बचा है उसे तुम खा मत लेना। आजकल तुम बहुत ही ज्यादा खाने लगी हो। और हाँ, हमारे आने तक घर पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है? आप लोग आराम से जाइए, आप लोगों के आने के बाद घर आपको साफ सुथरा ही दिखेगा। जेनिफर और डायना उत्सव के लिए चले जाते हैं। उसके बाद स्टेला जल्दी से जाकर फूल पर पानी की कुछ बूंदे डालती है। फिर लिली परी प्रकट हो जाती है। स्टेला, तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तुम नियमित काम करती रहती हो, इसलिए तुम बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हो। हाँ वो तो है, पर अब तक मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे जूते। मैं तो अब तक बाल भी नहीं बना सकी। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। परी अपनी जादुई छड़ी चलाती है और स्टेला के चारों तरफ घुमाती है, जिसके बाद स्टेला और भी सुंदर दिखने लगती है। लंबे सुंदर बाल, एक सुंदर रत्नों से जड़ी ड्रेस और बहुत ही सुंदर जूते, और उसने हाथों में सुंदर दस्ताने भी पहन रखे थे जो बहुत ही मुलायम और रेशमी कपड़े से बने थे। स्टेला खुद को आईने में देखकर दंग रह जाती है। क्या ये मैं हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े और जूते बदले हैं, तुम्हारे चेहरे की सुंदरता मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
यकीन मानो तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर उत्सव में पहुंचने में कहीं मुझे देर ना हो जाए। घबराओ मत, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। स्टेला अब पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकलती है। वहाँ सफेद घोड़ों वाला सुंदर रथ उसका इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही उस पर बैठकर रवाना हो जाती है। वो महल पहुंचकर देखती है कि इस उत्सव में बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी और राजकुमार रॉबर्ट सीढ़ियों के ऊपर एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजकुमार रॉबर्ट की नजर उस पर पड़ती है और वो सीढ़ियों से उतरकर उसके पास आता है। क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूँ? बिल्कुल राजकुमार, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब रॉबर्ट और स्टेला एक दूसरे में खोकर नाच रहे थे। उन्हें नाचता देख उत्सव की सारी लड़कियों को स्टेला से ईर्ष्या होती है। राजा और रानी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ये ही उनकी होने वाली बहू है। लेकिन उतने में ही स्टेला की माँ और सौतेली बहन गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देखकर स्टेला डर जाती है। वो ये सोचती है कि अगर वो उनसे पहले घर नहीं पहुंची, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। स्टेला जल्दबाजी में राजकुमार का हाथ छुड़ाकर भागती है और उसका एक दस्ताना राजकुमार के हाथों में ही रह जाता है। स्टेला रथ में बैठकर जाने लगती है और वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो पुरानी वेशभूषा में आ जाती है और जल्दी से साफ सफाई करने में लग जाती है और कुछ देर बाद दरवाजे में दस्तक होती है। बहरी हो गई हो क्या? दो बार दरवाजा खटखटाना पड़ा है। माफ कीजिए माँ, वो मैं साफ सफाई कर रही थी, इसीलिए शायद सुनाई नहीं दिया। ये साफ सफाई की है तुमने? अब तक घर ढंग से साफ नहीं दिख रहा है। जब तक तुम घर को अच्छे से चमका नहीं लेती, तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। पहले से ही हमारा दिमाग बहुत खराब है, अब और मत करना। स्टेला मन ही मन बहुत खुश होती है, पर उसे दुख भी था कि वो राजकुमार से ज्यादा बात नहीं कर पाई। अगले दिन घोषणा होती है कि राजकुमार उस लड़की से मिलना चाहता है जिसके पास एक हाथ का दूसरा सुंदर दस्ताना मिलेगा। स्टेला फिर से पानी की कुछ बूंदे फूलों पर गिरा देती है और परी के प्रकट होते ही उन्हें सारी बात बताती है। बस इतनी सी ही बात, अब इस बार जाना तो राजकुमार को अपना बना कर आना, ठीक है? परी अपना जादू फिर से चलाती है और स्टेला को फिर उसी रूप में ले आती है। स्टेला घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी माँ डायना और बहन जेनिफर भी छिपकर घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं। वे तीनों राजमहल पहुँच जाती है। राजकुमार जैसे ही स्टेला को एक हाथ के दस्ताने के साथ देखते हैं, उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं। वो तुरंत स्टेला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और ये देखकर डायना और जेनिफर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। स्टेला का चेहरा खुशी से चमकने लगता है। लिली परी आकाश से ये देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद राजकुमार रॉबर्ट और स्टेला की धूमधाम से शादी हो जाती है। वो एक सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!